नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। पर्व छठ के अवसर पर हम बिहार वासियों को अपनी शुभकामना देते हैं। भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने ऊर्जावान सुनहरी किरणों से हम सबों को ऊर्जान्वित करें, जिससे हम बेहतर ढंग से बिहार का विकास कर सकें। भारत का सबसे महान पर्व छठ पर्व आज हुआ समापन। आस्था के सागर में लोगों ने लगाई डुबकी। सूर्य देव को अर्घ दे हुआ छठ पर्व का समापन। लोगों ने खूब धूमधाम से मनाया छठ पर्व। जी हाँ, तो A24 न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बता दें कि उत्तर बिहार में खासकर यूपी बिहार का सबसे महान पर्व छठ पर्व, जिसे लोगों ने खूब धूमधाम से मनाया। कोरोना काल को लेकर बहुत सारी जगहों पर पाबंदियां बनी रही और कुछ जगहों पे जहाँ कोरोना का संक्रमण उतना नहीं है, वहाँ बहुत ही धूमधाम से छठ घाट पर छठ पर्व को मनाया गया। बता दें कि बिहार के पटना, जहानाबाद, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, इन सभी जिलों में महापर्व छठ पर्व को लेकर लोगों ने आस्था के सागर में डुबकी लगाई। चारों ओर भक्तिमय माहौल बना रहा। इस बीच छठ व्रतियों ने सूर्य देव को अर्घ दे छठ पूजा का समापन किया। छठ पूजा को लेकर पारंपरिक लोक गीतों से गांव व शहर तक वातावरण भक्तिमय बना रहा, जिसमें बहंगी लचकत जाए और घटवा चमचम चमकेला जैसे भक्ति जैसे लोक गीतों से हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर भक्तिमय था। वहीं संध्या पहर व्रतियों ने कोसी भरने का रस्म पूरा किया, जहां कोसी हाथी पर दीप जगमगा उठे और हर तरफ आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। बता दें कि गुरुवार को खरना संपन्न हुआ, उसके साथ ही शुरू हो गया व्रतियों का 36 घंटा का निर्जला उपवास। लोगों ने माथे पर दौरा सूप डाला के साथ घाटों पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ दिए। वहीं इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। छठ महापर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी रही। बिहार के हर जिले के सभी शहरों और गांवों के घाटों को सजाया संवारा गया। वहीं पटना के गंगा किनारे दीघा पुल की बात की जाए, वहां पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी रही और लोगों को सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए बार बार अपील किया गया और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए वहाँ छठ पूजा सम्पन्न हुआ।
सीतामढ़ी जिला के बरगनिया प्रखंड के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोक आस्था का महापर्व छठ उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। शुक्रवार की संध्या अस्ताचलगामी सूर्य को बांस या पीतल के बने सूप में ठेकुआ, नारियल, ईख, केला, सेव, गागल व अदरक आदि से नदी में खड़े होकर अर्घ्य देकर संध्या घाट व फिर शनिवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर सुबह घाट पर छठ पर्व का समापन हुआ। महिलाओं ने इस दौरान छठी मैया से अपने परिवार सहित समाज और देश में खुशहाली लाने की प्रार्थना करते हुए संपूर्ण विश्व को कोरोना मुक्त होने की मन्नतें मांगी। वहीं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के बंजरिया पोखर पर और रामगढ़वा के जैतापुर गांव में पोखर पर धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया और जैतापुर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके बारे में वहां से हमारे संवाददाता रोहित झा बताएंगे वहां किस तरह से लोगों ने हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया। छठ पूजा पर्व जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा, शाम को डूबते सूरज को अर्घ देकर परिवार की खुशहाली की कामना की, तो वहीं आज सुबह को उगते सूरज को अर्घ देकर पर्व का समापन किया। मोतिहारी जिला अंतर्गत रामगढ़वा प्रखंड के सुखी सेमरा गांव में इस बार छठ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिला, क्योंकि लोक आस्था के इस महान पर्व पर गांव से दूर रहने वाले ग्रामवासी छठ के अवसर पर गांव में जरूर आते हैं। और जब इस बार छठ मनाने के लिए सारे लोग शहर से गांव की तरफ आए तो बिहार सरकार का एक गाइडलाइन जारी हुआ, जिसे लेकर लोगों में उत्साह कम पड़ता है, लेकिन घाट पर ही छठ मनाए जाने को लेकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। और वहीं गांव के नौजुवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतने बड़े आयोजन का समापन आज किया। हालांकि मैं इस गांव का खास खबर आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि रामगढ़वा प्रखंड में कुछ ऐसे चुनिंदा जगह हैं जहां पर दशकों से छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। यहाँ पर व्रती और गाँव के सारे लोग गाँव से 2 किलोमीटर दूर चलकर छठ घाट पर आते हैं। यह नज़ारा अपने आप में बहुत ही मनमोहक होता है। हालांकि अभी मेला और कुश्ती साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना बाकी है। बता दें, छठ के सजिया घाट से एक दिन पहले खड़ना के दिन गांव में जागरण का आयोजन किया गया, जो खासकर गांव के युवाओं के लिए और छठ व्रतियों के लिए था। घाट पर पूजा समिति के द्वारा सैनिटाइजर का पूर्ण व्यवस्था किया गया था। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित गाँव के नौजुवक लगातार 3-4 रोज तक मेहनत करके इतने बड़े आयोजन को सफल बनाते हैं। बता दें, छठ जैसे महान पर्व पर यहाँ के युवकों में गजब का अपनापन और गजब का उत्साह देखने को मिलता है। 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सारे युवा इस प्रबंध में लगे रहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट न होने। कुछ लड़के लाइटिंग की व्यवस्था में, तो कुछ घाट पर साफ सफाई के कामों में, तो कुछ व्रतियों का ध्यान रखने में लगे रहते हैं। वहीं घाट के विद्वान पंडितों द्वारा छठ की महानता को बताया जाता है और व्रतियों का उत्साह बढ़ाया जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से नीरज झा, ब्रजेश झा, धर्मेंद्र झा, राजू झा, अमरेंद्र झा, छोटू झा, परशुराम झा, दिलीप झा, विनय झा, प्रकाश झा, नीतीश झा, राजन झा, धनंजीत झा उर्फ झा जी, कौशल झा, उत्पल झा, कुणाल झा, सुनील झा, शिवेंद्र झा, नीरज झा, चंदन झा एवं गांव के तमाम युवा वर्ग के लड़के हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय छठी मैया।